उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि कानों में मानो शहद घोल रही हो। जब उनके गीत फिल्म जगत में गूंजे तो दर्शक उनकी आवाज पर मर मिटे। उनकी आवाज का जादू भाषाओं और सरहदों की दीवारें तोड़कर दुनिया भर में फैल रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस परफेक्ट गायकी के कारण उनके दौर में सुर साम्राज्ञी का ओहदा हासिल की हुई गायिका तक का सिंहासन डोलने लगा था। आज कर तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा। सबको मालूम है और सबको। क्या आप मानेंगे कि उन गायिका की चाशनी भरी आवाज ही उनकी तरक्की में बाधक बन गया? और क्या आप यकीन करेंगे कि इन गायिका को उनकी प्रतिभा और लोकप्रियता के कारण फिल्म इंडस्ट्री के ही एक बड़े ग्रुप की साजिशों का शिकार होना पड़ा था? के प्यार हर किसी से किया नहीं जाए। आज हम आपको बताएंगे बेरहम बॉलीवुड की साजिशों का शिकार हुई एक ऐसी फनकार की दास्तां जिसकी काबिलियत को मानने के बावजूद हिंदी सिनेमा के संगीतकार और प्रोड्यूसर्स उन्हें काम देने से कतराते थे। क्यों उनके गाए गानों को फिल्म के रिलीज से पहले हटा दिया जाता और आखिर क्यों कैसेट में गाने होने के बावजूद उसके कवर पर बाकी प्लेबैक सिंगर्स की तस्वीर तो होती लेकिन उनकी तस्वीर गायब कर दी जाती थी और यहाँ तक कि टीवी पर भी उनके गाए गीतों को भी किसी और नामचीन गायिका का गीत कहकर प्रसारित किया जाता था। क्या थी इस गायिका के राइज एंड फॉल की कहानी? कैसे जमाने ने जिस फन के लिए उन्हें सर आंखों पर बिठाया, क्रूर फिल्मी दुनिया ने उसी के चलते उन्हें वो मुकाम कभी हासिल नहीं होने दिया जिसकी वो हकदार थी। किस्मत की थी दगाबाजी या फिर बदनसीबी का खेल? जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की बीते जमाने की फीमेल प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर की, जिनके नसीब ने कभी साथ दिया तो कभी वक्त ने ठोकर मारी। उनकी सुरीली आवाज के कद्रदानों ने जमकर सराहा तो मौका परस्तों ने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया और खूब फायदा भी उठाया। कर हमसे न फेर देख लिया, बड़े आए दिलेर देख लिया, ये कागज का शेर देख लिया। 1937 में सुमन का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसका कला और संगीत के प्रति विशेष रुझान था। बचपन की परवरिश के दौरान ही सुमन भी संगीत में खासी दिलचस्पी लेती, हालांकि संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर परिवार की पाबंदियां भी थीं। वो पिता सेंट्रल बैंक में बड़े बाबू शंकर राव हिमाडी की 6 संतानों में सबसे बड़ी थी। नौकरी के सिलसिले में लंबे समय तक ढाका में रहने के बाद बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शंकर बाबू ने 1942 में अपना तबादला मुंबई करा लिया। यहां सुमन की पढ़ाई सेंट कोलंबिया में हुई। वो पेंटर बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी दाखिला ले लिया। 15 साल की उम्र तक उन्होंने एक भी हिंदी फिल्म नहीं देखी थी। हाँ, वो शौकिया तौर पर गाती जरूर थी। नूर जहां की आवाज में उनकी खास तौर पर दिलचस्पी थी। वो अक्सर नूर जहां के गाए गीत गाया करती थी। सुमन की आवाज तो हीरे जैसी थी ही, उनके पड़ोसी और पिता के मित्र केशव राव फूले ने इस हीरे की परख भी कर ली। उनके कहने पर सुमन ने शौकिया तौर पर गाना सिखाना शुरू किया। जैसे जैसे रियाज करती गई उनकी आवाज निखरती गई। इसके बाद उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान, गुरुजी मास्टर नौरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की तालीम ली। गुरु केशव राव भोले ने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें गाने का मौका दिया।
परिवार की बंदिशों के बावजूद सुमन मना नहीं कर पाई और पहली बार उनकी आवाज ने दर्शकों के कानों पर दस्तक दी। साल भर बाद उन्हें मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाने का ऑफर मिला। फिल्म रिलीज हुई और डायरेक्टर शेख मुख्तार ने देखी। उनके जहन में सुमन की सुरीली आवाज ने जगह बना ली। उन्होंने सुमन को अपनी अगली फिल्म मंगू में गाने का मौका दिया। फिल्म में मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे, लेकिन बाद में उनकी जगह ओपी नैयर को ये जिम्मेदारी दी गई। सुमन ने फिल्म में 3 गीत गाए, लेकिन नैयर साहब ने उनके सिर्फ एक लोरी को ही फिल्म में शामिल किया। इस तरह फिल्म के कोई पुकारे धीरे से तुझे से सुमन कल्याणपुर का हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर का सफर शुरू हुआ। यही एकमात्र गीत है जो इन्होंने ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया था। इसके बाद तलत महमूद जैसे फनकार के साथ इन्होंने पहली बार हिंदी सिनेमा में जुगलबंदी की फिल्म दरवाजा में। एक दिल दो है तलब गड़ी मुश्किल। हिंदी सिनेमा में सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज के लिए दरवाजा पहले ही खुल चुका था, लेकिन दरवाजा फिल्म में तलत महमूद जैसे गायक के साथ उनकी इस जुगलबंदी ने उनकी पहचान मजबूत कर दी और फिल्मों में इसी गाने का सिलसिला शुरू हो गया। सुमन हिमाड़ी 1958 में एक तरफ हिंदी सिनेमा में पांव जमा रही थी, उसी दौरान मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो सुमन हिमाड़ी से सुमन कल्याणपुर हो गई। इनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती थी कि लोग धोखा खा जाते और इनके और लता के गाए गीतों में फर्क कर पाना मुश्किल होता। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इसका खूब फायदा उठाया, जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिल पाती। में आई फिल्म चांद में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजों को एक साथ एक ही गाने में पेश कर दिया। कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना। शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फर्क करना मुश्किल है कि कौन सी आवाज सुमन कल्याणपुर की है और कौन सी लता मंगेशकर की। सुमन कल्याणपुर की आवाज का यही सुरीलापन ही उनके रास्ते का रोड़ा भी बन गया। एक तरफ सुरीली आवाज के लिए लता मंगेशकर को खूब काम मिलता, वहीं सुमन कल्याणपुर को संगीतकार इसलिए कम काम देते कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती थी और वो उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। अब तो आंख लड़ चुकी, बात बढ़ चुकी, अब तो पास आई। सुमन कल्याणपुर की हिंदी सिनेमा में एंट्री भी ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पर लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज की दीवानगी छाई हुई थी। उनके स्टारडम के आगे बेहद टैलेंटेड सुमन कल्याणपुर को हमेशा दूसरी कतार में ही खड़ा होना पड़ता। इसे कुदरत का करिश्मा कहें, नाइंसाफी कहें, बेरहमी कहें या कुछ और, कि बेहद सुरीली और ओरिजिनल आवाज होने के बावजूद सुमन कल्याणपुर की तुलना हमेशा लता मंगेशकर से ही की जाती थी। दोनों की आवाज करीब करीब एक जैसी थी, लेकिन लता जी को जो नाम और शोहरत मिली, सुमन कल्याणपुर हमेशा उसके पीछे ही चलने को मजबूर हुई। ये सुमन कल्याणपुर की बदकिस्मती ही थी कि रेडियो और टीवी पर जब ये गीत प्रसारित होते तब भी अक्सर सुमन कल्याणपुर के गाए गानों को गलती से लता मंगेशकर का नाम दे दिया जाता, लेकिन फिर भी बेरहम फिल्मी दुनिया ने उन्हें वो मुकाम वो ऊंचाइयां कभी नहीं दी जो लता जी को हासिल हुई। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो जीने का मजा।
मुश्किल से मुश्किल गीत भी सुमन बेहद सरलता से गाती थीं। उनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मेल खाती कि प्रोड्यूसर्स उन्हें लता जी जैसे गाने की ही उम्मीद करते। उन दिनों लता जी एक एक गाने के लिए काफी बड़ी रकम लेती थीं। कई प्रोड्यूसर्स तो उनकी आवाज का इस्तेमाल अपने पैसे बचाने के लिए भी करते। इसी दौर में फिल्म साज और सवेरा का अजहू न आए बालमा सावन बीता जाए फिल्म बेटी बेटे का अगर तेरी जलवा नुमाई न होती इनमें सुमन कल्याणपुर की आवाज को बेहद पसंद किया गया। अगर आप तुमसे मिलाई न होती, कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने कई प्रोड्यूसर्स को ये कह भी दिया था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। एक बार मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच एक विवाद खड़ा हो गया और दोनों के बीच दूरियां कुछ इस कदर बढ़ गईं कि दोनों ने एक साथ गाना बंद कर दिया। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसी आवाज की तलाश में जुट गए जो रफी साहब के साथ जुगलबंदी करने के काबिल हो। सामने थी सुमन कल्याणपुर की आवाज जो किसी भी मामले में लता जी की आवाज से 19 नहीं थी। सुमन कल्याणपुर को भी असल में मौका इसी दौर में मिला और उनकी और रफी साहब की जुगलबंदी कुछ ऐसी जमी कि दोनों के साथ गाए लगभग सभी गीत सुपरहिट साबित हुए। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी मगर मेरे दिल ने मुझे रोका। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि रफी साहब के साथ आवाज लता मंगेशकर की है या सुमन कल्याणपुर की। किस्मत की मार और वक्त के सितम देखिए कि जल्द ही रफी साहब और लता मंगेशकर का विवाद सुलझ गया और पुरानी स्थिति फिर बहाल हो गई। रफी साहब की आवाज को पसंद करने वाले प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स का रुझान फिर से लता मंगेशकर की ओर हो गया। 1965 में फिल्म आई गजल। फिल्म के सभी गीत लोगों ने बेहद पसंद किए। फिल्म में गाना था उनसे नजरें मिली और हिजाब आ गया। गाना लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और रिलीज भी हुआ, लेकिन बाद में इसे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज हटा दी गई। कहा जाता है कि उस दौर की स्थापित गायिकाएं सुमन कल्याणपुर के टैलेंट को कभी पचा नहीं सकी और उनके खिलाफ साजिशों के दौर चलते रहे। सुमन कल्याणपुर और कामयाबी के बीच दीवार खड़ी कर दी जाती। मेरे महबूब न जा, आज की रात। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी सिनेमा में 900 से भी ज्यादा गीत गाए। इसके अलावा भी उन्होंने मराठी में सैकड़ों गाने गाए और बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी में भी उनके गीतों की फेहरिस्त काफी लंबी है। लेकिन उन्हें हमेशा ही लता मंगेशकर की डुप्लीकेट आवाज के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक बार HMV ने उस दौर के 50 उम्दा गानों के 4 कैसेट रिलीज किए। इनमें सुमन कल्याणपुर के सर्वाधिक 7 गानों को शामिल किया गया था। गायकों के चित्र इन कैसेट्स के कवर पर प्रिंट किए गए, लेकिन सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा गाने कैसेट में होने के बावजूद उनका चित्र नहीं छापा गया। उन्होंने अपने दौर के मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद और हेमंत कुमार जैसे मजे हुए फनकारों के साथ जुगलबंदी की, जिसे खूब पसंद किया गया और सराहा भी गया। मेरा प्यार भी तुझे ही बहार भी तुझे, तुम्हें नजर आने
उनके गाए प्रेम गीत खास तौर पर लोकप्रिय हुए। उनकी मखमली आवाज ने इन गीतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे। उस दौर में एक दशक के दौरान सुमन कल्याणपुर ने लगभग 170 फिल्मों में गीत गाए। उनकी आवाज का जादू लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि हर कोई उनके गाए गीत गुनगुना रहा था। इस दौर में उनके गाए गीतों में मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, इसने लोगों के दिलो दिमाग पर जादू कर दिया था। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जा। और इसके बाद ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, इसे तो आज भी खूब गाया जाता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। अच्छा, ऐसे सुपरहिट गीतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक एपिसोड में इन्हें शामिल करना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही गीतों में तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, रहे न रहे हम, मेरा प्यार भी तू है, दिल एक मंदिर है, तुमने पुकारा और हम चले आए, होश में आलू तो चले जाइएगा, और नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे शामिल हैं, जिन्हें आज भी लोग बड़े शौक से गुनगुनाते हैं। उनकी आवाज की कशिश का कमाल था कि उनका गाया शायद ही कोई गीत ऐसा हो जो हिंदी सिनेमा के चाहने वालों की जुबान पर न चढ़ा हो। हर दौर में हर पीढ़ी ने इन्हें पसंद किया है। बेहद सहज और सरल स्वभाव वाली सुमन कल्याणपुर चुपचाप बेरहम हिंदी सिनेमा जगत के जुल्म सहती रहीं और उफ तक नहीं किया। इन्होंने कभी किसी से इस बात की शिकायत नहीं की कि उन्हें इनके काम के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। एक बार तो दूरदर्शन के लोकप्रिय छाया गीत कार्यक्रम में नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे का प्रसारण हुआ और शो के होस्ट ने उनकी आवाज को लता मंगेशकर की आवाज बता दिया। इसके लिए उनकी बेटी चारुल कल्याणपुर को आपत्ति भी जतानी पड़ी। वो था जब जब फूल खिले फिल्म का गीत। कहा जाता है कि उस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स पर दबाव बनाया जाता था कि वो सुमन कल्याणपुर को मौका न दें। डायरेक्टर्स भी स्थापित गायिकाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे और सुमन कल्याणपुर से किनारा करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि सुमन कल्याणपुर को आगे बढ़ने का मौका न मिले, इसलिए इन्हें काम देने वाले संगीतकारों के साथ स्थापित गायिकाएं गाना ही बंद कर देती थीं। उनके गाए गीतों की न जाने कितनी दास्तां हैं जिन्हें दुनिया शायद ही कभी जान पाए। उनके गाए एक गीत के बारे में कहा जाता है कि सिनेमा हॉल में जब लोग इस गीत को सुनते तो जेब में रखे पैसे लुटा देते थे। गौहर कानपुरी के लिखे शब्द, उषा खन्ना के संगीत और सुमन कल्याणपुर की आवाज ने मिलकर देखने वालों पर कमाल कर दिया। 1979 में आई फिल्म दादा के इस गीत में सुमन कल्याणपुर की आवाज को सुनने वाले बेहद भाव घोटते थे। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना। हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे उनके खिलाफ साजिशों के खूब दौर चले। बॉलीवुड में उनके रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे, उन्हें गिने चुने मौके ही मिल रहे थे। 1980 आते आते उनका मन हिंदी सिनेमा और प्लेबैक सिंगिंग से उबने लगा और धीरे धीरे उन्होंने सिनेमा से किनारा कर लिया। हिंदी सिनेमा में उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ गईं कि उनकी जिंदगी इम्तिहान बन गई। अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों से वो मुकाबला करती रहीं, वो बिना उफ किए संघर्ष करती रहीं, लेकिन आखिरकार नसीब और काबिलियत के खेल में नसीब की जीत हुई। उन्होंने नसीब फिल्म के जिंदगी इम्तिहान लेती है गीत के बाद हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया। लगी
हिंदी सिनेमा के उस गोल्डन एरा कहे जाने वाले दौर में सुमन कल्याणपुर काम करती रहीं और बिना उफ किए बॉलीवुड का हर सितम भी उठाती रहीं। आवाज उनकी होती और शोहरत किसी और को मिलती। हिंदी सिनेमा में जहां आवाज को ही पहचान कहा जाता है, वहां लता मंगेशकर की आवाज के पीछे सुमन कल्याणपुर की पहचान तो क्या पूरी शख्सियत ही छिप गई। यही वजह रही कि तमाम म्यूजिक अवार्ड्स और म्यूजिक शोज की नजर भी उन पर नहीं पड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से 2010 में तब सम्मानित किया। इससे पहले फिल्म चले जा चले जा चले जा जहां प्यार मिले के लिए भी उन्हें एक बार फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर नॉमिनेट किया गया। 1970 के बाद गुजरात सरकार ने उन्हें लगातार 4 साल सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया। इसके अलावा सुर सिंगार संसद की ओर से भी उन्हें 3 बार सम्मानित किया गया। 1961 में उन्हें रस रंग फाल्के सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद 1964 से 1965 और 1965 से 66 में भी मराठी गीतों के लिए सर्वोत्तम प्लेबैक सिंगर के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह पंजाबी और भोजपुरी गीतों के लिए भी बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड उन्हें दिया गया। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? सुमन कल्याणपुर की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपके पास सुमन कल्याणपुर से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे और दर्शकों से अवश्य साझा करें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।